जेपीएससी विवाद पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराने में सक्षम नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नियमों को ताक पर रखा जाता है, जिससे हमेशा विवाद पैदा होता है। ये लोगों ने सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी काम हो रहा है आप देख रहे होंगे सब लटपटाया हुआ है। यानी ये लोग खूब लटपट काम ही कर रहे हैं, लोग अच्छे काम को कर ही नहीं रहे। आपने देखा होगा कि 7th JPSC जो हुआ है, भाई क्या करना था, ओमर सीट जारी करना था, नहीं किया। पहले भी आप देखे होंगे जिस JPSC का, पहले वो विरोध करते थे फिर बाद में किया। कहने का अर्थ है कि जो भी यहाँ होना चाहिए था बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता देखनी चाहिए था, लोग उसको अनुकरण करते हैं। यहाँ तो एक भी चीज़ काम सही सलामत हो नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ही सही सलामत नहीं है, राज्य के मुखिया ही सही सलामत नहीं है, वही चाहते नहीं कि यहाँ सही सलामत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।